नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जब पृथ्वी के साथ में फाइट होने के बाद में अब प्रीता बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं कि चलो फाइनली ऋषभ और मेरे करण के बीच की दूरियां भी सब खत्म हो चुकी हैं और प्रीता वाकई में बहुत ज़्यादा खुश भी है, क्योंकि दोस्तों प्रीता को ये बहुत बड़ी खुशी हुई है कि फाइनली करण जिंदा है और हमारे बीच में है। लेकिन दोस्तों जो कि पृथ्वी धमकी देकर गया है, क्योंकि जैसे ही प्रीता के साथ में फाइट हुई थी, प्रीता को अटैक किया था पृथ्वी ने, और उसके बाद में अर्जुन ने बहुत ही गंदी तरीका से पृथ्वी को धोया है, अर्जुन ने और ऋषभ दोनों भाइयों ने मिलकर। क्योंकि धोने की वजह भी आप लोग जानते ही हैं कि उसकी हरकतें ही इतनी गंदी थी कि अब वो बर्दाश्त से भी बाहर हो रहा था, और अर्जुन ने बोल दिया था कि मैं पृथ्वी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसने जितना सितम करने थे इतने कर लिए। लेकिन अब कृतिका और सृष्टि सभी घर वालों को, यानी कि इन लोगों को डाउट लग रहा था, लेकिन अब सभी घर वालों को डाउट भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि सभी को पता लग चुका है कि हाँ ये हमारा करण ही है, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस बाकी है, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं कि या तो इसे याददाश्त ही भूल चुका है या अपनी याददाश्त भूलने की एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ऐसा ट्विस्ट कभी नहीं देखा था, क्योंकि इस समय अर्जुन बहुत गंदी तरीका से इमोशनल हो चुका है और वो रोता हुआ भी नजर आ रहा है, और उसे देख देख राखी माँ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं और उनके आंसू भी रुक नहीं रहे। लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट और देखने को मिलेगा अंजलि की तरफ से, क्योंकि अंजलि चलेगी एक और नई साजिश। जी हाँ, वो नई साजिश किस लिए चलेगी आप लोग जानते ही होंगे कि वो अर्जुन से आज भी प्यार करती है और अर्जुन के लिए वो कुछ भी कर सकती है, उसने बहुत पहले ही इस चीज़ को बोला था। लेकिन अभी देखना बाकी है कि आखिरकार प्रीता और अर्जुन की लाइफ में अब वो कितना बड़ा तूफान लेकर आती है, क्योंकि अंजलि ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकती है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर